छत्तीसगढ़िया आदमी नहाते शैम्पू में और जाते टेम्पू में। अरे बात तो सुन लो पूरा भाई। सुरेश अवस्थी बताते रहे से कि वो कानपुर से आए हैं। हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, कानपुर से नहीं आए हैं, लेकिन कान से कविता सुनते हैं। और कैसे सुनते हैं एक बार जोरदार ताली बजा के बता दो कि आज की रात आप कितनी बजा सकते हैं। बहुत बढ़िया। आदरणीय धर्मलाल जी कौशिक विराजमान है, दिखत नहीं बोला। हाँ भैया चल दे। अरे ऐसे में कैसे सरकार बनी है 18 में? कभी मतलब सुने भी ना चल दी तो कैसे बनी बताओ। आओ सावर्णी जी आई साहु मंजीत के बाजू में बैठ गए। दो सरदार बैठीन तो शॉर्ट सर्किट हो गई, स्पार्किंग होने लगी। मैं गुजाया, मैं कहा हटो भैया पास पास मत बैठो यार, शॉर्ट सर्किट होता है। तो वो सावर्णी जी बैठे हैं, टाक साहब बैठे हैं, बेनी गुप्ता जी बैठे हैं। काबर बैठे हैं कि जगह है, बैठे पर तो बैठे, व्यवस्था है तो बैठे हैं, मक्का बड़े बात है। कवि सम्मेलन बहुत बढ़िया हुई काबर पुलिस ग्राउंड में। जितना कवि सम्मेलन हुआ आज तक, नई दुनिया ने जो नया उपक्रम किया, जागरण ने जो यहाँ नई दुनिया के माध्यम से, नई दुनिया उन्हीं का अखबार है, जागरण ने एक गौरवशाली इतिहास बनाया है कवि सम्मेलनों का। बिहार उत्तराखंड जैसा कि भाई डॉक्टर सुरेश अवस्थी ने बताया, छत्तीसगढ़ में भी आज नई दुनिया के मुंह देखनी कवि सम्मेलन है। और ये मुंह दिखाई में जितना आप ताली बजाओ, अगले कवि सम्मेलन फिर आपके यहाँ करिए। काबर नई दुनिया सिर्फ अखबार नहीं है, उसमें विचार है, नई दुनिया में समाचार है, नई दुनिया में व्यवहार है, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें संस्कार है, और संस्कार को बचाने का काम नई दुनिया कर रहेगी, ये मेरा विश्वास है। अखबार आदमी को मजबूत करता है। अखबार वो नहीं होता जो आप रात को पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, शाम को फेंक देते हैं। अखबार वो होता है जो दिलों में अंकित होता है। अब काली चंद देखे, भाभी जी घर में है, अब वो सीरियल में कहा हुई आज याद नहीं है, लेकिन चौथी में जेन खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, पाठ पढ़े जेन आज तक याद है। पढ़ा हुआ साहित्य देखे हुए से बहुत दिन तक टिकता है, इसलिए आप इसको देखें भी, पढ़ें भी, सुने भी। और काहे देश के हालत अलग है, बाबा रामदेव के जैसे काम धंधा बंद करो, सब योग करो, सब काम धंधा छोड़ के योग करे लग गए, बाबा काम धंधा करे लग गए, 500 प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। अभी सुने होकर जींस आवत है, जबकि सलवार होकर इज्जत बचाए रही से। बड़ा दिक्कत है, जमाना बदल गए, नई दुनिया, इसीलिए नई दुनिया नहीं है, अब एक नई दुनिया आ गई है। पुरानी दुनिया थी तो घर के दुवारी में सियान ल बैठा है, बाबा बैठो कुत्ता मत घुसे, अब कुकुर ल बैठा देते, बाबा मत घुसे। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के संस्कार को देखिए। नई दुनिया संस्कारों के साथ जिंदा है। पहली बार विवाह होए, घर के माई लोगन भात रंध है, नाचे बर देवरलिन बुलान बाहर से। अब बर विवाह होते घर के औरत मन नाचा थे, खाना बनाए बर बाहर से आते। तो जमाना बदले है का, इतना जमाना खराब है। आज बेटा बाप के नहीं सुनत है, बेनी गुप्ता जी बेटा बाप के नहीं सुनत है, भाई भाई के नहीं सुनत है। ऐसे में आप रात के 10 बजे हमर सुनत हो, ये कम बड़े बात है। आइए कवियों का परिचय कराओ, नहीं तो मैं रात भर अकेला करत रहूं। यदि लाल रंग के कुर्ता में बैठे हैं, गुलाबी रंग के कुर्ता में, और गुलाबी रंग के वे तो फिर स्मेल आते कोनो अलग टाइप के, जाना था आप कांग्रेस ऐसे हो गए जिसे आलू भटा बरी तेमा बरी है निकल के तरी तरी, और चार जन लफोड़ के बना डरी संडा करी। ये पद्मलोचन शर्मा है मुफट, छत्तीसगढ़ के पहले कवि को आज हम, जैसे राज कपूर हर नवा नवा हीरोइन लॉन्च कराए ना, डिंपल का पड़िया लाने रही बॉबी में है ना, वो इसने सुरेश अवस्थी नवा हीरोइन लाने है। छत्तीसगढ़ के एक ऐसे संभावना वाले कवि जैन हास्य व्यंग को लेकर पूरे हिंदुस्तान में गए,
और जिनका नाम है, और आने वाले समय में आपकी तालियां उनको बड़ा बनाएगी, उसका नाम है पद्मलोचन शर्मा। जोरदार उनके सम्मान में ताली। ओकर बाजू में हमर डेरा प्रमुख ताली तो बजना चाहिए डेरा प्रमुख के लिए, डॉक्टर सुरेश अवस्थी। धर्म के ऐसन गंगा बोहात है, ऐसन गंगा बोहात है, राम रहीम जेल में है, वो हनीप्रीत हनीप्रीत चिल्लात। ये डॉक्टर सुरेश अवस्थी, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, ओमान, ये परसों बहरीन से कविता पढ़ के आए। काय जब अपन माल नहीं बिके देश में तो आदमी बाहर जाना पड़ते, मऊ जाता अधिकांश जगह में। मैं ये वो सरदार, हम तीनों गए हैं अमेरिका में, दुबई में, हम सब एक साथ गए हुए हैं। लेकिन सुरेश अवस्थी एक ऐसे कवि हैं जिनको राष्ट्रपति जी ने उनके शिक्षा शिक्षण कार्य के लिए भी पुरस्कृत किया है। जागरण अखबार से जुड़े हुए हैं, लंबे समय तक पारिवारिक सदस्य के रूप में इन्होंने जागरण की सेवा की है। हिंदी काव्य मंचों में व्यंग की विधा को जिन्होंने अपनी पूरी ताकत से स्थापित किया, उन्हें पूरा हिंदुस्तान डॉक्टर सुरेश अवस्थी के नाम से जानता है। एक बार उनके सम्मान में आप ताली बजा सकते हैं। उनके ठीक बाजू में हिंदी काव्य मंच के जर्सी गाय, एक बात नहीं है, कई बाल्टी दूध देते थे। मोर का मैं तो देसी हूं यार, पाव दो पाव दे के निकल लेता हूं। डॉक्टर हरिओम पवार, एक अकेला कवि सम्मेलन, वन मैन शो, वन मैन थिएटर, डॉक्टर हरिओम पवार, दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ। जिस कवि सम्मेलन में डॉक्टर हरिओम पवार की उपस्थिति भी हो गई, वो कवि सम्मेलन यादगार कवि सम्मेलन होता है। आज की रात मैं दावा करता हूं, जब आप यहां से जाएंगे, डॉक्टर हरिओम पवार की कविता आपके मस्तिष्क में होगी और आपकी मुट्ठियां बंद होंगी क्रोध में। ये आक्रोश के कवि हैं, अंगार के कवि हैं, शौर्य के कवि हैं, वीर रस के कवि हैं। इन्होंने हिंदुस्तान की तमाम राजनीतिक पार्टियों को सुधारा है। एक ऐसी छड़ी है जो कविता के साथ खड़ी होती है, उस छड़ी को पूरा हिंदुस्तान डॉक्टर हरिओम पवार के नाम से जानता है। ओके, ठीक बाजू में मोर से थोड़ा रंग में सांवली, क्या कर बे, अपन अपन भाग्य, भगवान मोला सुंदर पैदा कर दी, तोला इसे कर दी, तो मैं क्या कर सका। ये सुमन दुबे है, हालांकि कर से मैं मोर कोई रिश्ता नहीं है, हालांकि मैं बनाए के बहुत कोशिश करे पर बनीस नहीं। डॉक्टर सुमन दुबे कॉलेज में पढ़ाते हैं, लखनऊ में कॉलेज में पढ़ाते हैं, और श्रृंगार के कविता लिखते हैं। हिंदी काव्य मंच में गिनी चुनी कवित्रियां हैं जो जिनकी कविताएं, जिनके गीत गीता के श्लोक की तरह, मानस की चौपाई की तरह, वेदों की ऋचाओं की तरह और कुरान की आयतों की तरह पवित्र हैं। ऐसे पवित्र गीतों को लिखने वाले कवित्री का नाम होता है डॉक्टर सुमन दुबे। वो लखनऊ से हमारे बीच आई है, इतनी दूर से आई है आपका प्यार लेने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने, और नई दुनिया के इस भव्य आयोजन में आज उनकी उपस्थिति के लिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार जोरदार उनके सम्मान में तालियां बजाएं, डॉक्टर सुमन दुबे। होकर बात सरदार, सरदार मतलब चुप, 10 साल नहीं बोली, 10 साल चुप रही, तब सोनिया गांधी की अब तो बोल दे सरदार, अब की बार मोदी सरकार। ये सरदार है। अच्छा, सरदार ना बैठे भी मैडम के बाजू में, मतलब आदत अभी भी नहीं सुधर है सरदार के। हास्य के बढ़िया कवि मोर छोटे भाई है, छोटे भाई है, हालांकि छोटे भाई से बच के रहना चाहिए। विभीषण रावण के छोटे भाई रही से, रावण लोही निपटाइस। सुग्रीव बाली के छोटे भाई रही से, बाली लोही निपटाइस। प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन के छोटे भाई रही, बोला वही निपटाइस। ये मोर छोटे भाई है सरदार मनजीत सिंह, मन के जीत तो बाजू में बैठे हैं सुमन दुबे। आदमी का है कि अच्छा जगह में बैठ जाते ना तो भाव भी अच्छा आता। मल्लिका शेरावत 5 मिनट पर बाबा रामदेव ले मिली, बाबा के एक आंखी बंद हुई जे नास्तक नहीं खुली। सही जगह में बैठे बाबा, मन के कोई भरोसा नहीं है। मैं कह हे भगवान, हे राम, धरती में आ जा, आसाराम आ गया। मैं कह हे राम,
कलयुग बढ़ गए, धरती में आजा राम रहीम आ गए। हे राम, धरती में आजा राम वृक्ष आ गए, राम कृपाल आ गए। फिर भगवान राम नहीं आई, जेल के आगू में आसाराम घूमत और शेर पढ़ा था, अकेला ही चला था जानिबे जेल, मगर बाबा मिलते गए और कारवा बनता गया। एक से एक बाबा, अब तो ककरो लेकर बाबा बोलबे ना तो कर दाई है, बोलते बाबा मत बोलिए, बाबा मत बोलिए, बाबा है लेकिन इसको बेबी बोल दीजिए। अब का डर्रा गए बाबा मन ले। मंजीत सिंह के बाजू में इधर किनारे में तनहा अकेले में शून्य में देख रहा है। क्या होता है, जो आशिक होता है वो हमेशा अकेलापन देखता है। ये जवानों का आशिक है, नई पीढ़ी का कवि है, ये इश्क मोहब्बत प्यार की शायरी करता है। और पूरा हिंदुस्तान जब उसकी पारी आएगी तो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा जवान दिलों की धड़कन है। प्यार उसने किया भी, प्यार को जिया भी, प्यार की शादी भी की, प्यार के गीत भी गाता है। कुल मिला के एक जिंदगी में प्यार के अलावा कुछ नहीं। मैं लकिछो प्यार के चक्कर में मत पड़, बड़े बड़े के भाग्य फूट गए जैसे अनुष्का के चक्कर में विराट के हाथ से वर्ल्ड कप। लेकिन वो इश्क प्यार मोहब्बत के शायर है, लेकिन वो कर एक विशेषता है, बहुत कुछ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर अरब देशों में, दुबई, बहरीन, कतर, अबू धाबी, पाकिस्तान तक में भाई हासिम फिरोजाबादी ने काव्य पाठ किया। लेकिन उसके जीने का सलीका है, उसके जीने का अंदाज अलग है कि सूरज के साथ रहकर मैं भूला नहीं अदब, सूरज के साथ रहकर मैं भूला नहीं अदब, लोग जुगनू के साथ रहकर मगरूर हो गए। जिंदगी को इस सलीके से जीने वाला युवा शायर आपके दिलों में अपनी छाप छोड़ के जाएगा। फिरोजाबाद से हमारे बीच आया है, संभवतः पहली बार आइए भाई साहब, बैठ जाओ। आप नई दुनिया वाले हैं कि पुरानी दुनिया वाले, बैठ जाओ। बढ़िया, नहीं खड़े खड़े मत रहो, बैठ जाओ, पीछे वालों को दिखेगा नहीं। सुमन दुबे को देख रहे हैं लोग, आप खड़े हो जाओगे। ये सब बीच के कैमरा, ये जो पवार जी का कहना है, किसका कहना है ये सोच ले तू, पवार जी का, वीर रस के कवि जिन पाकिस्तान ला बैठा देते, तो कैमरा वाले जिन बीच में सुग्रीव बरोबर खड़े बैठ जा, नहीं तो तोला बैठा भी सकते हो, हमेशा भर लेटा भी सकते, एक अर्थ थी बैठ जाओ, बैठ जाओ जहां जैसा आ रहा है, एक अर्थ सुंदर कोई नहीं दिखते, बैठ जाओ। हासिम फिरोजाबादी के सम्मान में एक बार जोरदार आप तालियां बजाएं, और अगर आपके आंखों में शर्म और हाथों में ताकत रह गई हो तो आप मोरोबर ठोक सकते हो, मैं सुरेंद्र दुबे आपके बीच आता हूं। आइए कवि सम्मेलन को प्रारंभ करें। सिटी का बजा, सिटी बजावे एक से तो करेक्टर खराब हो, आप तो दिखता नहीं है, चलो खराब हो, लेकिन हम महसूस कर ले हैं। मानस में चौपाई आती है, भगति हेतु विधि भुवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई, माँ के मंच पर बैठ जाती है। और जब कविता नहीं होती और कविता के नाम से लफासी होती है, उसके लिए भी रामचरितमानस में चौपाई है, कीन प्राकृत जनगुण गाना, सिर दुनी गिरा लगत पछिताना। माँ को लगता है कि ये कहाँ आ गई। आज की रात माँ शारदे को साक्षी मानकर हम आपसे वादा करते हैं कि ये कविता की शाम होगी, कविता की रात होगी, और जब तक आप यहाँ एक भी जीव जंतु उपस्थित रहेगा तब तक ये कवि सम्मेलन चलेगा। ये आपकी ताकत पे निर्भर करता है कि इतनी ठंड में आप कितनी देर तक यहाँ बैठ सकते हैं। हम तो सेट में हैं, हमारा क्या है, कंबल भी अभी साल देंगे लोग, पीछे रखिए, नई दुनिया वाले बताएं साल और नारियल देंगे करके, हमारा क्या है, साल को ले आएंगे नारियल को फोड़ देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नई दुनिया इसलिए नई दुनिया है कि जब किसी गरीब की बात होती है, जब गरीबी में कोई मरती है पुनिया, जब बेरोजगार होता है दुनिया, तब स्टोरी बनाती है नई दुनिया। इसलिए नई दुनिया अखबार को मैं प्रणाम करता हूँ कि वो जनता की बात को जनता तक पहुंचाती है, नेताओं तक पहुंचाती है। हम किसी धर्म मजहब के खिलाफ नहीं है, कितना बड़ा संजोग है, हिंदी काव्य मंच है, इसमें ब्राह्मण है दो, तो हम ब्राह्मण है तीन, आदरणीय पवार जी तो सभी हैं, वो सब जात में है, वैसे तो जाट हैं, आपको पता नहीं है उनकी शादी नहीं हुई है, शादी जिनकी नहीं होती वो बताते हैं क्या क्या खूबियां होती है, वो बताएंगे, मैं उनके लिए छोड़ता हूँ।
चार हम ब्राह्मण हैं, एक सरदार है और एक मुसलमान है। लोग कहते हैं कि धर्म की बात करते हैं, जहां धर्मलाल कौशिक प्रदेशाध्यक्ष हो वहां धर्म अच्छा क्यों नहीं होगा, वहां क्यों धर्म अच्छा नहीं होगा। इसलिए कहना चाहता हूं कि मुसलमान हमारे बीच है सांप्रदायिक सद्भाव का, इससे बड़ा कवि सम्मेलन हो नहीं सकता जहां हम हासिम फिरोजाबादी को बुलाते हैं। और जो मुसलमान बैठे हैं यहाँ, हासिम भी उसमें शामिल है, मेरा छोटा भाई है। जब ये वजू करते हैं नमाज अदा करने के लिए और पानी ना मिले, तो जिस देश की मिट्टी से वजू करते हैं तो भी उनकी नमाज कबूल होती है, जिसको तयम्मुम कहते हैं। भाई सुरेश अवस्थी कहीं लिखते हैं कि दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए मेरा हिंदुस्तान। हम इस कल्पना को लेकर जीने वाले लोग हैं। कभी किसी पार्टी का नहीं होता, कभी जैसा देखता है वैसा लिखता है, कभी किसी पार्टी का नहीं होता। आप अपने दिल से बात हटा दें, हम आपकी बात बोलते हैं। रात को 8 बजे मोदी जी टीवी पर आते हैं। बहनों और भाइयों, मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद 500,000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तबले डर लगा था, अब आहित का बोली आके रात बजे आज आ जाए 8 बजे, वो बोला जिससे 8 बजे आहित के टीवी में आते नहीं, घबराहट छूट गए थे, क्या करें। बहनों और भाइयों, मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद पति पत्नी लीगल पति पत्नी नहीं रहेंगे। बड़ा प्रॉब्लम है, संकट है। आइए पहले कवि को बुलाएं, वो इसी विधा का कवि है, पैरोडी बाज कवि है। कवि दो प्रकार के, इशारे बाज होता है, एक पैरोडी बाज होता है। ये पैरोडी बाज कवि है पद्मलोचन शर्मा, जो सिख बंधु आए, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। भाई साहब आप सही समय आए, हम ही थोड़ा पहले चालू हो गए थे। बैठे तुसी बैठो जी, हम आप ही कोई रास्ता देख रहे थे जी, आप आते तो चालू करें करके। बैठिए सरदार, मजाक का विषय नहीं है। पवार जी ने कहीं लिखा है कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह की संतानों का, हम क्या मूल्य चुकाएंगे इनके आंखों के पानी का, जिनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके दो दो बेटे चुन गए दीवारों में। ये वो सिख कौम है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। सरदार कभी मजाक का विषय नहीं रहा, वो शौर्य का विषय रहा हमेशा। सरहद में अगर सिख हैं तो हम आप कभी सम्मेलन सुन रहे हैं। ये सिख बंधुओं ने अपनी शहादत देकर हिंदुस्तान की आजादी बचाई भी और आजादी दिलाई भी और आजादी को आज बचाई भी, इसलिए आप इनके सम्मान में ताली बजाएं। वो देर से आए अलग बात है, वो अलग बात है भाई, घर में कई जिम्मेदारी रहती है। एक तो बड़ी देर तक तो भाभी जी को मनाना पड़ता है, वो भी अड़ी रहती, तुसी मैं भी जाऊंगी जी, क्यों जाओगे, कवि सम्मेलन हो रहा है उधर, हम सुमन देव दुबे को देखने जा रहे, तू फंस रही हमारे साथ, तो ले दे के तो टैकल करके भाई लोग आए, इसलिए भाई लोगों के लिए ताली बजा दो क्योंकि भाई लोग आए। अब आए पद्मलोचन शर्मा, अब कोई व्यवधान न करें, कवि सम्मेलन प्रारंभ हो गया। पद्मलोचन शर्मा आएंगे और आपके बीच हास्य की कविताओं से आज के इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करेंगे। हम चाहते हैं एक बार जोरदार उनके सम्मान में ताली बजा दें पद्मलोचन शर्मा जी के लिए। नहीं सीटी नहीं बजाना है, ताली बजाना है, सीटी मेरे लिए बजाया करेगा, सीटी मत।